फील्ड से कुछ कंप्लेंट आ रही हैं जिसके अंदर की फ्यूल पंप असेंबली ख़राब हो रही है और जो हमारे टेक्नीशियन दोस्त हैं वो इसको बदल भी रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बदलने के बाद ये केस रिजेक्ट हो रहे हैं। और जब इसको ध्यान से देखा गया तो उस रिजेक्ट होने का कारण जो पता चला है वो ये है कि इसको गलत तरीके से डिसमेंटल किया जाता है पंप को। अभी इसको कैसे सही ढंग से खोलना है और इसका क्या सही तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा डिटेल में आपको बताना चाहता हूँ कि इस पंप के अंदर कितने कंपोनेंट हैं, कौन सा किसका काम क्या है, ताकि आप इसको समझें और उसके हिसाब से ही कार्रवाई करें आगे की। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं कनेक्टर, ये वायरिंग हार्नेस, मेन वायरिंग हार्नेस जुड़ा हुआ है, इंजन वायरिंग हार्नेस जुड़ा हुआ है और यहाँ से इसको करंट की सप्लाई होती है जिससे कि मोटर चलती है। ये मोटर जब चलती है तो ये टैंकी से, हमारा जो फ्यूल टैंक है बराबर में है तो ग्रेविटी फीड नहीं है, तो ये इसको प्रेशर भी चाहिए होता है, तो ये ऑन होने के बाद ये हाई प्रेशर से इसको डीजल को खींचता है और ये नीचे फिल्टर के अंदर देता है। तो पहला पार्ट हो गया इसका मोटर, दूसरा पार्ट हो गया इसका फिल्टर, तीसरा हो गया वाटर इन फ्यूल सेंसर, तो तीसरा कंपोनेंट ये है। चौथा कंपोनेंट है ये ब्लीडिंग स्क्रू, ये ब्लीडिंग स्क्रू है, जबकि आप जानते हैं बिल्डिंग क्यों करने का और कैसे करने का तरीका यहाँ पे आपको मालूम है, ठीक है। पांचवा इसका हिस्सा है ये माउंटिंग, ये इसकी माउंटिंग है जो कि हमारी गाड़ी के चेसिस के ऊपर राइट हैंड साइड के ऊपर टैंक के साथ ये माउंट होता है। सो अभी कभी भी ये दिक्कत आ रही है, पहले आप इंश्योर करो कि ये पंप चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये पंप कैसे चल रहा है, एक तो ये स्विच ऑन होगा, तो आप जब स्विच ऑन होगा इग्निशन से तो ये काम करेगा, इसके अंदर एक साउंड फील होगी आपको। सेकेंड, ये फ्यूल की सप्लाई देगा, तो आप इसके आउटपुट पॉइंट पर ही देख सकते हो कि वहाँ से फ्यूल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी यदि ये पंप असेंबली ख़राब है तो हमारे टेक्नीशियन दोस्त क्या कर रहे हैं कि वो सबसे पहले इस कनेक्टर को चेक नहीं करते हैं कि इसमें कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं, या कनेक्शन है कि नहीं, पिन बैंड तो नहीं है या कहीं लूज तो नहीं है। देख रहे हैं आप इसको, इसके अंदर दो पिन, दो तार हैं, एक पिंक कलर का मोटा और एक बहुत पतला तारीख है तार है। तो जनरली यदि ये लूज़ रहेगा कनेक्शन यहाँ से तो इस पंप को सप्लाई नहीं मिलेगी, और हम यदि वो चेक नहीं करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि हम पूरी मोटर असेंबली को बदल देंगे, ठीक है, तो वो नहीं कर रहे हैं। सेकेंड क्या होता है कि यदि ये आपको इंश्योर हो गया कि ये सप्लाई ख़राब है, हमारा जो डायग्नोस्टिक मैनुअल है और जो डोंगल लगाते हैं, डोंगल जो है उसके अंदर भी ये आपको दिखाई देगा कि इसका, इसके काम ना करने का एक फॉल्ट कोड क्रिएट होता है, जो कि फॉल्ट कोड क्रिएट होने के बाद आप उसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं डायग्नोस्टिक मैनुअल में पढ़ के कि हाँ यही दिक्कत है। अभी होता क्या है कि आपको ये पता चला कि ये ख़राब है, ये सिस्टम मोटर काम नहीं कर रहा है, नीचे के तो सब इसको फ्यूल मिलेगा तो फिल्टर करेगा, और नीचे आपका एक सेंसर है तो वो वाटर एंड फ्यूल का सेंसर है। भैया हटाओ, हाँ इसको यहाँ से हटाओ, हाँ ये फ्यूल एंड वाटर एंड फ्यूल का सेंसर है, ये मीटर पे आपको क्लस्टर मीटर पे इंडिकेशन आता ही है, ठीक है। तो लड़के क्या करते हैं, टेक्नीशियन क्या करते हैं हमारे, वो इसको यहाँ से खोल रहे हैं, जबकि ये गलत तरीका है, इससे आपकी वारंटी रिजेक्ट हो जाएगी। ये एक मशीन के ऊपर कैलिब्रेट होता है, कैलिब्रेट होने के बाद यहाँ पर देखिए मार्किंग का निशान है, ये मार्किंग का निशान इस लगाया जाता है। यदि आप इसके अंदर इसको यहाँ से खोलेंगे तो वारंटी रिजेक्ट होगी। इसको सही तरीके खोलने का तरीका क्या है और वारंटी में देना है, तो आपको यहाँ से खोलना है, बड़े वाले रिंग से खोलना है, ये पूरा पीस, ये पूरी असेंबली वारंटी के अंदर जाएगी। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहाँ से नहीं खोलने का है, उसको यहाँ से खोलने का है। यदि आप इसको यहाँ से खोल के देंगे तो ये फिल्टर असेंबली अलग हो जाती है और ये सेंसर वापस नए फिल्टर असेंबली में लग के, नई मोटर से लग के गाड़ी में फिट हो जाएगा। लेकिन आप यदि यहाँ से खोलेंगे, जो कि कैलिब्रेटेड पार्ट है, मशीन के ऊपर कैलिब्रेट किया गया, तो इससे इस कंपोनेंट की वारंटी जो वेंडर है बॉश वो रिजेक्ट करता है। तो आपने इस सिचुएशन से बचना है, और कभी भी यदि फ्यूल पंप असेंबली, यदि जो FSM है ये ख़राब होता है तो आप इसको यहीं से खोलेंगे। दूसरा मैंने एक चीज़ और नोट करी है कि इंटरव्यू के अंदर लोगों से, टेक्नीशियन इंटरेक्शन होने के बाद ये पता चला है कि इसको खोलने के लिए लोग वायरिंग हार्नेस का जो उसका कनेक्टर वो नहीं हटाते हैं, और कनेक्टर ना हटाने की वजह से क्या होता है, इसको की पकड़ो, उसको जोर से पकड़ो, इसको पूरा घुमाते हैं। इसके ऐसे घुमाने से क्या होता है, जो नीचे वायर हार्नेस है वो भी साथ में ट्विस्ट होती है, और ट्विस्ट होने से क्या है, जो मेल या मेल कनेक्टर है उसके जो पिन है उनको निकलने का डर रहता है, या वायर हार्नेस टूट सकती है। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है, आपने इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी हालत के अंदर यहाँ से ना खोल के उसको यहीं से खोला जाए। यदि इसको सही खोलने का तरीका यहाँ से है, और उसके बाद ये पूरी कंप्लीट असेंबली आपको वारंटी डिपार्टमेंट में थ्रू FIR देनी है। थैंक यू।